पढ़ा लिखा होनार दूल्हा ले लो दूल्हा, दूल्हा बिकाऊ है दूल्हा ले लो दूल्हा। अरे भाई दूल्हा बिकाऊ है कोई दूल्हा ले लो दूल्हा। अरे दूल्हा बिकाऊ है कोई दूल्हा ले लो दूल्हा। अरे भाई कोई दूल्हा ले लो दूल्हा, दूल्हा बिकाऊ है दूल्हा। होनार पढ़ा लिखा कोई दूल्हा ले लो दूल्हा। अरे भाई कोई दूल्हा ले लो दूल्हा। अरे अंकल जी इधर आना। अले अंकल जी आप घल घल जाके दूल्हे को क्यों बेच ले हो और ये आपका लगता क्या है? अरे बेटी ये मेरा छोटा लड़का है। अच्छा अच्छा तो ये आपका ललका है, पर अंकल जी आप इनको घल घल जाके क्यों बेच ले हैं? आपकी ऐसी क्या मजबूरी है? मजबूरी है बेटा, मेरे बड़े वाला लड़का 50 साल का हो गया, अभी तक उसके लिए कोई रिश्ता नहीं आया, तो फिर इसके लिए क्या रिश्ता आएगा? घर घर जाके इसलिए बेच रहा हूँ कोई इसे खरीद ले, इसका घर बस जाए। क्यों अंकल जी आपके ललके में कोई ऐब है क्या? ये दालू पीता है या फिर स्मैक वगैरह का नशा करता है? ये चोरी वगैरह तो नहीं करता और शायद ये काम धंधा भी नहीं करता होगा, इसीलिए आप इसे घल घल जाके बेच ले हैं। इसमें कमी होगी जरूर कोई ना कोई। कमी कोई नहीं है बेटी, मेरा लड़का बीए पास है और एक प्राइवेट स्कूल में मास्टर है। मैंने अपनी 60 किले जमीन में से 20 किले जमीन बेच के एक शानदार कोठी बनाई है और एक फॉर्चूनर गाड़ी भी ली है। शायद इनको देख कर कोई रिश्ता आ जाए, लेकिन फिर भी कोई रिश्ता नहीं आ रहा है बेटी। अच्छा अंकल जी इतना सब कुछ होने के बाद तो रिश्ता आ जाना चाहिए, पर अच्छा क्यों हो ले? मैं बताता हूँ जी ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ हाँ वकील साहब बताइए ना अच्छा क्यों हो ले? आप ध्यान से सुनना और आप दोनों भी, जब किसी के घर में लड़का पैदा होता है थालियां बजाई जाती हैं, खुशियां मनाई जाती हैं, मिठाइयां बांटी जाती है, लड्डू बांटे जाते हैं, मगर जब किसी घर में लड़की पैदा हो जाती है तो उसके घर में मातम बनाया जाता है। रोते हैं बिलखते हैं, वो सोचते हैं हमारे घर में लड़की क्यों पैदा हो गई। और ताऊ जी आपको पता है जब किसी नारी के डिलीवरी होनी होती है उससे पहले अल्ट्रासाउंड करवाते हैं और अल्ट्रासाउंड में अगर रिपोर्ट आ जाती है कि गर्भ में एक नन्ही सी लड़की पल रही है तो गर्भपात करवा देते हैं, लड़की को पेट के अंदर मरवा देते हैं। और इन कन्या भ्रूण हत्याओं की वजह से 500 लड़कों की संख्या पे सिर्फ 5 लड़कियां रह गई है। कहां से होंगी शादियां? वकील साहब आप बात तो 16 आने सच कह रहे हो, पर मेरी तो कोर्ट मैरिज करवा दो ना प्लीज। किसके साथ? इसके साथ। कन्या भ्रूण हत्या महापाप है, यह एक सामाजिक बुराई है, इसे ना होने दें। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। दूल्हा बकाऊ है दूल्हा खरीद लो दूल्हा। दूल्हा बकाऊ है दूल्हा खरीद लो दूल्हा। दूल्हा खरीद लो दूल्हा। कीमत सिर्फ 1 रुपया और साथ में 5 उपहार खरीदिए जा रहे हैं। दीपावली का विशेष ऑफर, दूल्हा खरीद लो दूल्हा। दूल्हा बिकाऊ है दूल्हा खरीद लो दूल्हा। क्यों चिल्ला रहा है?
अरे दूल्हा खरीद लो साहब, दूल्हा कीमत सिर्फ 1 रुपया और साथ में 5 गिफ्ट फ्री में दिए जा रहे हैं, दीपावली का विशेष ऑफर। तू 2 मिनट रुक, मैं अभी खरीदता हूँ। काऊ है दूल्हा खरीद लो दूल्हा, 1 रुपया सिर्फ कीमत और साथ में 5 उपहार थरी में, दीपावली का विशेष ऑफर। भाई क्यों चला रहा, क्या चाहिए तुझे? अरे साहब दूल्हा ले लो दूल्हा, कीमत सिर्फ 1 रुपया और साथ में 5 गिफ्ट फ्री दिए जा रहे हैं, दीपावली का विशेष ऑफर, दूल्हा खरीद लो दूल्हा। भाई हमें तो चाहिए नहीं, आगे ट्राई मार लो। अरे सोच लो भाई, इस भाव में कोई टोटा नहीं है, साथ में 5 गिफ्ट भी तो फ्री दिए जा रहे हैं। देखो भाई हमारे कोई कुंवारी लड़की तो है नहीं, अगर तू चाहता है तो तुम मुझसे शादी कर ले, मैं तुझे बहुत खुश रखूंगा। दूल्हा खरीद लो दूल्हा, दूल्हा खरीद लो दूल्हा, कीमत सिर्फ 1 रुपया और साथ में 5 गिफ्ट फ्री दिए जा रहे हैं, दीपावली का विशेष ऑफर, दूल्हा खरीद लो दूल्हा। क्यों चिल्ला रहे हो आप, क्या चाहिए आपको? दूल्हा खरीद लो दूल्हा, कीमत सिर्फ 1 रुपया और साथ में 5 गिफ्ट फ्री और दीपावली का विशेष ऑफर, दूल्हा खरीद लो दूल्हा। आ जाओ आप अंदर आके बैठो, पहले आप पानी पियो उसके बाद बातें करेंगे, आओ। मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ, ठीक है? अच्छा जी, अब आप मुझे बताइए, आप उपहार में वो 5 गिफ्ट्स कौन से दे रहे थे? पहला उपहार, घर का सारा काम दूल्हा करेगा। दूसरा उपहार, घर में नाश्ता चाय दूल्हा बनाएगा। और तीसरा उपहार, घर में सारे मैले कपड़े दूल्हा धोएगा। चौथा उपहार, पत्नी के पैर शाम को दूल्हा दबाएगा। और पांचवा उपहार, सुबह उठकर पत्नी की पूजा आरती दूल्हा करेगा। ओम जय पत्नी देवा, स्वामी जय पत्नी देवा, जो पत्नी को ते आवे सो ही वो सुख पावे। ओम जय पत्नी देवा। तो सुनो जी, मुझे दूल्हा खरीदना है। किसके लिए जी? और किसके लिए? मेरे लिए। तो मना किसने किया है जी? आप जैसी सुंदर हूर परी अप्सरा तो किसी नसीब वाले को मिलती है, आप तो हूर हो, जन्नत की हूर,
हीरोइन हो हीरोइन। तो फिर मैं वरमाला ले आऊं जी। तो मना किसने किया है जी? हाँ जी, एक बात पूछूं, पहले अपना नाम तो बताइए। पहले आप ये रसम पूरी कर लीजिए। हाय हाय, मेरा नाम चंद्रमुखी है, चंद्रमुखी। अब तो तू मेरा दुल्ला है, दुल्ला। सुबह सुबह मेरे लिए चाय नाश्ता बनाएगा, झाड़ू पोछा करेगा, मेरे पाँव दबाएगा, मेरे छैल छबिल्ले दुल्ले। तेरे पास गिफ्ट मुझे बहुत पसंद है। हाँ हाय हाय, तू तो मेरी सुबह सुबह आरती करेगा, जा पत्नी देवा। हाय, बहुत पसंद आई तेरी आरती। हाय हाय, मेरे छेले कुछ तो बोल। हाय मेरे पति परमेश्वर, मेरे गिफ्ट उपहार, दिवाली बोनेंजा ऑफर। दुल्ले राजा, मेरे छैल छबीले दुल्ले, मुझे छोड़ के ना जाना।